नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देव पीपल एंड ब्लॉग्स। दोस्तों आज फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज दोस्तों हम एक बहुत अच्छी जगह पे आए हैं जहां पे आपके देख के इस वीडियो को बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों देश की फौज में सेना में भर्ती होकर सिर्फ देश की सेवा नहीं होती, सेवा करने के बहुत से रास्ते होते हैं। बहुत से भाई मेरे किसान भाई हैं, वो भी देश की सेवा ही कर रहे हैं। अगर वो अनाज पैदा नहीं करेंगे तो सारे देश को क्या खिलाएंगे? अगर वो खेती कर रहे हैं तो देश खा रहा है। तो हमारे हरियाणा प्रदेश की ये बहुत गौरवपूर्ण महिमा है दोस्तों। इसके साथ साथ आपने जैसे देखा होगा गौशालाएँ हैं, गौशाला में गौ माता की सेवा होती है और लोगों को कोई पैसा कमाने का साधन नहीं होता। ये एक सेवा होती है, एक सेवा भाव है जो लोगों के दान पुण्य और किसी कंपनी के सपोर्ट से चलती है। इसमें आप सब का अनुदान है, सब भाईचारे का अनुदान है। और दोस्तों ऐसी नई चीज़ लेके आए हैं, हमारे चैनल का काम पर्पज़ यही है कि हमारे उभरते हुए कलाकारों को जनता के सामने आम प्लेटफॉर्म पे लाना। हमारी संस्कृति इतनी गौरवपूर्ण, इतनी महिमापूर्ण है, इतनी शानदार है को पूरे देश में इसको फैलाना। दोस्तों आज हम एक ऐसी अच्छी जगह पर आए हैं कि एक भाई है सुनील धनखड़, जो उन्होंने एक डॉग फार्म खोला हुआ है और वो जो लाचार बेसहारा जो मर रहे हैं, जिनको कोई संभाल नहीं रहा, ऐसे जानवरों की ऐसे पशुओं की सेवा कर रहे हैं। तो हम आज आए हैं दोस्तों जीव दया एनिमल हॉस्पिटल एंड शेल्टर पे। दोस्तों ये लोकेशन है कलोई गांव में, झज्जर से गुड़गांव रोड पे कलोई गांव है और ये जो लिंक रोड है ये कलोई से स्टार्ट होता है मनीमपर कुकड़ोला बामडोला लाडपुर होते हुए बादली और दिल्ली बॉर्डर को टच करता है। तो दोस्तों देखते हैं अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या ये उन जानवरों के लिए क्या क्या उपचार के साधन हैं, क्या इनकी टीम है और क्या इनका सेवा भाव है। चलिए दोस्तों देखते हैं अंदर। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं और बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में ये बनाया गया है। अंदर जाके देखते हैं, इनके डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, इनके अंदर कितने कर्मचारी काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आप इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं, मेन गेट है। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम हॉस्पिटल के परिसर में अंदर आ गए हैं और हमारे साथ में सुनील धनखड़ जी हैं, ये डॉक्टर साहब हैं। तो कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में आदमी पैसा चकाचौंध सक्सेस के पीछे भागता है, लेकिन कुछ चरित्र सुनील जैसे भी होते हैं जो सिर्फ सेवा भाव के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने सोचा कि आदमी हमेशा परेशान रहता है, सक्सेस के पीछे परेशान रहता है, इन्होंने लीक से हटके काम किया और इन्होंने एक ऐसे हॉस्पिटल की स्थापना की जहाँ पे बेसहारा लाचार बेजुबान जानवरों का उपचार होता है। और हमारे इस कटे हुए क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य पहली बार हुआ है जो बहुत सराहनीय है। तो दोस्तों बात की शुरुआत करते हैं मिस्टर सुनील धनखड़ से। सर हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ये, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपके दर्शकों का कि आप इतनी अच्छी चीज़ों को सामने लेके आते हो। और बाकी आपको है ना हमारी तरफ से भी जीव दया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इसकी हॉस्पिटल की शुरुआत आपने कब की थी? हॉस्पिटल की शुरुआत के करीबन 2 साल हो गए इसकी शुरुआत हुए, और जो है कि ये शुरुआत हुई थी ये झज्जर शहर से। अच्छा, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये समस्या झज्जर शहर में नहीं, ये पूरे हरियाणा में है। अच्छा। गुड़गांव जैसे शहरों में कुछ इनके लिए व्यवस्था है, जो मतलब अच्छे शहर हैं, सक्षम है, जहाँ जो है कि ये आप लोगों के पास पैसा भी है तो वो जो है कि कुछ चाहते हैं कि हम किसी की मदद कर दें। लेकिन एक हरियाणा और जहाँ एक नॉर्मल एक देहाती एरिया कह सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ यहाँ नहीं, वो सारे हरियाणा में थी ये दिक्कतें। हमने यहाँ जो नॉर्मली हम भी देखते थे, आप भी देखते थे कि अगर कोई भी लावारिस है जानवर, देखो गाय के लिए तो गौशालाएँ हैं, हाँ हाँ, वहाँ मतलब एक हिंदू धर्म की आस्था सी बन गई है कि मतलब अगर गायें बीमार है तो कोई ना कोई सोचता है उनके बारे में, हर आदमी मतलब उसकी सपोर्ट में आ जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ, कि इसकी मदद की जाए। लेकिन इसके अलावा हमारी प्रकृति ने हमारी जो है कि हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिस तरह नॉर्मल सी चीज़ है, एक घर के रखवाली के लिए, गली के लिए, गाँव की रखवाली के लिए कुत्ता होता है,
और जो है कि पक्षियाँ होते हैं, मोर होते हैं, जो है कि मतलब बहुत सारे जानवर होते हैं जिनकी सुविधा थी नहीं। हम देखते थे कि हम भी छोटे छोटे थे, हम भी गांव से ही पले बड़े हैं, गांव में ही रहे हैं। अगर किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता था तो मतलब कोई सुविधा ही नहीं थी लोगों। तो दोस्तों अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दो सालों से ये एनजीओ चल रहा है जी। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है, जैसे पारवा का वार्ड हमने बना रखा है, सीडी का वार्ड हमने बना रखा है, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है जितनी हो रही है उतनी हम सारी वो ट्रीटमेंट है। एक्सीडेंटल भी केस हमारे पास आते हैं, बहुत बेचारे जानवर, बहुत दुखी बेचारे जो आते हैं, उन सब का हम पूरी कोशिश करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट उनका करते हैं। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं हॉस्पिटल के परिसर के अंदर, देखते हैं जानवरों की कैसे कैसे इन्होंने सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है। डॉक्टर साहब चले एक बार, आइए सर। सुनील जी आप भी आ जाओ। ये सारे बेजुबान जानवर हैं। हाँ जी, ये सारे अलग अलग पारवो कंडीशन में थे ये। अच्छा जी। और जो है कि अब इनका इलाज है बिल्कुल जो कि स्वस्थ है अभी। इनका रेस्क्यू कितने दिन पहले किया सर आपने लगभग? इनका रेस्क्यू कोई 10 दिन पहले है, कोई 5 दिन पहले है, ऐसे इनके रेस्क्यू हुआ। इधर दिखाना, इधर बंदर भी सामने। अच्छा बंदर भी आया अपने पास। हाँ जी बिल्कुल, आप बंदर से देखिए, चल के आइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे बंदर भी है। ये अलग अलग वार्ड बनाए हुए हमने बंदरों के लिए भी। अच्छा ये भी मतलब घायल आदा अपने हॉस्पिटल में? हाँ जी ये भी घायल जानवरों के लिए हमने बनाए हुए हैं ये। बाकी जो है मान लीजिए आप अलग अलग वार्ड है इनके लिए। अच्छा ये जो बंदर आए हैं ये भी मतलब एक्सीडेंट केस में आए? बाकी जो जिनके पैर वगैरह कट जाते हैं, जो 3 पैरों पे जैसे ये जानवर है, तो मतलब इसी प्रकार से यहाँ अंधे भी हैं और इसी प्रकार से ये रहते हैं यहाँ पर जानवर। देखिए दोस्तों ये देखिए रेड कलर का जो कुत्ता है, इसकी 3 टांगे हैं, एक टांग कटी हुई है, शायद ये रोड एक्सीडेंट का केस हुआ। हाँ जी ये रोड एक्सीडेंट का केस। तो अब ये कितने दिन पहले का रेस्क्यू था? ये हो गए इसको 2 से 2.5 महीने हो गए, बाकी अभी बिल्कुल कुछ है, यही रहता है हमारा। नाम जी आपका? गौरव नाम है जी मेरा। तो अभी कब लाए जी इसको आप? अभी लेके आया हूँ जज्जर गाँव शहर से। अच्छा जज्जर एक्सीडेंट? हाँ जी। अच्छा, काफ़ी दिन से एक्सीडेंट हो रखा है इसको। अच्छा। देखिए दोस्तों कितने मतलब बेजुबान जानवर, कितनी सफलता से, कितने प्यार से ये रेस्क्यू करके लाए हैं, और इनका जो हम भगवान से कामना करते हैं ये जल्दी कुशल हो। इधर एक साहब बताएंगे अलग अलग कंडीशन के हैं। अच्छा बिल्ली कैट है, इसकी टांग पे चोट लगी हुई थी। ये मणिपुर गांव से आई है। आज सुबह ही लाए आप इसको? हाँ जी। इसका टांग का ये बैंडेज किए, इसको पूरी अग्रेसिव थी इसने वो था, और इसके ये चोट लगी हुई है पैर में, चोट की वजह से ये बेचारी बहुत परेशान, और इसका बैंडेज इसकी हो रही है, जो हमारा स्टाफ है वो कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत भूखो भी कर रहे हैं। अब एक हमारे पास एक केस रात पा है, इसकी टांगे दोनों ले लो सर, दोनों टांगे इसकी देखो, इसकी दोनों टांगे हैं वो दोनों टूटी हुई हैं, तो इसका भी हम ऑपरेशन करेंगे। और ये कल रात को हमारे पास एम्बुलेंस से इसको लेकर आए हैं, तो इन जीवों की सेवा है ये, सेवा जो ट्रीटमेंट है वो इनका पूरा जो करेंगे। दोस्तों इधर भी एक बाड़ा है, आप बाड़े में अच्छे से देख सकते हो कितने बेजुबान, दिखाना जी एक बार अंदर, दिखाना लगा के दिखा दो कैमरा, कितने बेजुबान जानवर है। उधर पीछे भी एक सफ़ेद पप्पी है। ये सर ये सारे आवारा कुत्ते ही है जो बाहर से आपके पास है? हाँ जी बिल्कुल, ये सारे आवारा कुत्ते हैं, अलग अलग जो कि कंडीशनों से हमने इनके वार्ड बना रखे हैं। इसमें जो है कि आप देखेंगे जैसे पैरालाइज कंडीशन जो है कि जैसे ये व्हाइट बीच है जो ऐसे धीरे धीरे चल रही है, और तो ये सब पैरालाइज कंडीशन जो होते हैं, जो जिनको गंभीर जो कि बीमारियां होती हैं, और तो उनके लिए खुला स्पेस हमने दे रखा है कि वो ज़्यादा अपने गली की जिंदगी को, खुलेपन को वो यहाँ ज़्यादा महसूस ना करें, तंग ना रहें यहाँ। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम जानवर को अपने घर में भी, इवन अगर हम गाय है वगैरह है, कुत्ते वगैरह हैं, अगर उनको बांध के रखेंगे तो एक बंधक वाली फीलिंग आती है। अगर हमें एक्सपोज करके देखो, अगर हमें कोई बांध के रखे, भौतिक चीज़ें का सुख अलग होता है, एक आज़ादी का एक अलग सुख होता है। अगर हमें कोई अच्छा खाने को दो, अच्छा पहनने को दो, लेकिन हम एक ही कमरे में अगर कैद, बांध के रखने की बात छोड़ो, अगर एक घर में एक कमरे में कैद कर दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सुनील धनखड़ जी ने खुला प्रांगण है और सबको खुला छोड़ रखा है ताकि इनको बंधक महसूस ना हो, और जैसे ही ये आमतौर पर गाँव में, देहात में, गलियों में घूमते रहते हैं, ऐसे यहाँ पर सर्वाइव करे। ये बहुत अच्छी बात है सुनील।
और कहीं ना कहीं आपस में भिड़त ना हो, इसलिए उन्होंने जाल बना रखा है कितना खूबसूरत। और नीचे एक सबसे खासियत बात क्या, देखो बालू मिट्टी बिछा रखी है। अगर हम रेत मिट्टी में, इनको अपनी वाली फीलिंग आती है, आज़ादी वाली। दाई सर, हम आपका मेडिकल साइड जो आपका ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, वो देखना चाहेंगे। चलो दिखाते हैं। ये सब के सब वार्ड हमने इनको दिखाए भाई साहब को। सब तो देखो, हम जीवों के प्रति इतना कर रहे हैं, भी किसी प्रकार का टाइप का जीव कितना भी बेचारा वो दुखी है, उसके लिए हम उसका पूरी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। उसका ट्रीटमेंट है, उसका मैनेजमेंट है, उसकी केयर है, उसको कितने दिन रखना है, वो हम ये सोचते हैं भी वो हमारे बिल्कुल हेल्दी हो जाए तब उसको हम छोड़ें तो अच्छी बात है। तो जैसे हमारे पास अब देखे कितने एक्सीडेंटल केस आ रहे हैं, अब 24 घंटे हैं हम ये सुविधाएं हैं जो हम दे रहे हैं जी। सर ये ऑपरेशन थिएटर आपका? ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है जी, ओटी ऑपरेशन थिएटर है ये, और ये हमने बना रखा है जी। यहाँ पर जैसे डॉग को हम जो है, डॉग है, कैट है या मंकी है, उनको हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है उनका करते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंटल है और है तो वहाँ भी दो ऑपरेशन है, वो भी करेंगे, वो भी जो हम भी होने बाकी हैं। और हमारा ये मेडिसिन है जो सब टाइप की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, जितनी एनिमलों की हम मेडिसिन जो है वो सब हम यहाँ अवेलेबल करा रखी है हमने। तो ये हमारा ऑपरेशन थिएटर, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो जी, ये हमारा मेडिसिन का स्टोर रूम है, जहाँ जो ड्रिप है, इंजेक्शन है, सब यहाँ पे हमारे जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमने वो एक स्टोर टाइप में एक स्टोर रूम हमने बना रखा है, मेडिकल स्टोर मानो स्टोर रूम बना रखा है। बहुत बढ़िया। अपील करना चाहूँगा, अगर आपके आसपास कोई घायल जानवर है, बेजुबान जानवर है, तो आप उसकी मदद करने के लिए प्लीज इनसे वेलफेयर जीव दया हॉस्पिटल है, तो उनको संपर्क करें, सुनील धनखड़ जी से संपर्क करें। अभी आप देख सकते हैं एक रेस्क्यू और करके लाए हैं, इधर दिखाना जी एक बार इधर। ये कहाँ से आया सर? सर मेरे को नहीं पता, सर ले गया सूरा गाँव से। अच्छा, कॉल आई थी जी आपके पास? ना कॉल नहीं आई, मेरे को पता था कि यहाँ पे इस तरह का है, तो इसने इसके दांत मार दिए किस कुत्ते ने। अच्छा अच्छा, तो सुबह का परेशान था। अच्छा, आप मतलब गांव से, सूरा गांव से हो? सूरा गांव से। देखिए दोस्तों, एक अभी पेशेंट अभी एक आया है हमारे पास, पपी आया है, तो ये इनके गाँव में इन्होंने देखा कि एक ऐसे घायल था और इनको मदद की जरूरत थी, तो ये सीधे यहाँ पे लेके आए। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सराहनीय है। सलूट है सर आपको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? जगमोहन शर्मा। जगमोहन शर्मा, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दोस्तों आपको भी अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए, कोई बेजुबान घायल जानवर आपको दिखता है तो इस प्रकार से अगर इन भाई जैसी धारणा हम धार ले तो कोई बेजुबान जानवर बिना इलाज के ना मरे। एक नौजवान युवा होते हुए आपने अपने करियर की शुरुआत ना करते हुए इस सेवा भाव में आए, ये धारणा आपकी कैसे बनी और कैसे आप इस क्षेत्र में आए? ये धारणाएं जो होती हैं ये बचपन से ही होती हैं, और ये जो होती हैं एक जो हमारे परिवार की जेनेटिक कह सकते हैं, पुश्तैनी कह सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये गुण होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो परदादा थे चौधरी प्रताप नंबरदार जी, तो वो एक वेद थे। अच्छा जी। हाँ जी, तो वो जो है कि फ्री में नाड़ी देख के और जो गरीब आदमियों को और अपने एरिए को दवाई देते थे और उनका इलाज करते थे। तो वही चीज़ है कि हमने भी ये सोचा कि हम भी इस चीज़ को आगे बढ़ा के चले, और जो है कि बेजुबान जानवरों के लिए ये सोच हमारी थी, और हमने ये जो है कि अभी दिया है इस एरिया को। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे हम अपने हरियाणा के हर कोने में जो है कि ये सुविधा लेके जाएं और जानवरों को एक दिखाएं कि अब भी आपके लिए कोई है जो इस प्रकार से आपकी सेवा कर रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं लास्ट में वही अपील करना चाहूँगा कि आप सुनील धनखड़ जी के पेज को लाइक करिए, इनका एक एनिमल लवर जो आप जितने मेरे दर्शक हैं इनके फेसबुक पेज से जुड़िए। मैं अपनी वीडियो में इनका नंबर शेयर कर दूंगा, पेटीएम नंबर भी। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ अनुदान करना चाहते हैं, बेजुबान जानवरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उसमें कुछ अनुदान कर सकते हैं। ये एक बहुत सराहनीय कदम होगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है दोस्तों। अगर आगे फिर आप दोबारा ऐसी वीडियो लेके आएंगे, ऐसी अच्छी वीडियो लेके दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।